मैम बोलो। मुझे अभी क्लास लेफ्ट करनी पड़ेगी। क्यों, क्या हो गया? कुछ काम है मैम, अच्छा मैं आपका चलो, रिकॉर्डिंग सेशन देखूंगी। कोई बात नहीं, आप मेरा रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है? ओके बट मैम, कोशिश करना कि डेली रेगुलर रहना, क्योंकि अभी अगर आप लोग रेगुलर रहोगे ना, तो एकदम से बर्डन नहीं आएगा सर पे एग्जाम के टाइम पे, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा सीखोगे। यस अभी मैम, क्यों, क्या होता है कि रिकॉर्डिंग ना कभी कभी हम मिस कर देते हैं, हम सुन नहीं पाते हैं, ठीक है? बट जब लाइव क्लास होती है ना, तो साथ के साथ पढ़ाई हो जाती है। पर एक बार रिकॉर्डिंग क्या, कभी कभी हम ढीले पड़ जाते हैं कि चल छोड़ या बाद में देखेंगे, ऐसे है ना? कोई नहीं, आप लेफ्ट कर लो, और पर रिकॉर्डिंग जरूर सुनना, और कल से रेगुलर रहना। अगर हाँ, तेरह पक्का बच्चे मैम, भी है, हाँ पक्का, अगर 13 बच्चे भी है तो 13 भी चलेंगे, बट हमें एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, उसके लिए हम सबको रेगुलर रहना पड़ेगा, ठीक है? यस मैम, यस मैम, ओके ठीक है, चलो बच्चों ओके, स्टार्ट थैंक यू करते मैम। हैं। ओके वेलकम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है? कितने बच्चों ने टीचिंग एप्टीट्यूड पहले पढ़ा हुआ है? कितने बच्चों ने टीचिंग एप्टीट्यूड पहले पढ़ा हुआ है? फटाफट अनम्यूट करके बोलो ना, टाइम नहीं वेस्ट करना है, अनम्यूट करो। यस मैम, हाँ साक्षी ने पढ़ा हुआ? नहीं पढ़ा, ठीक है, नहीं पढ़ा मैम, नहीं पढ़ा मतलब पहली बार। बहुत से बच्चे जो पहली बार टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने वाले हैं, राइट? यस ठीक है, देखो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। इट्स ऑल अबाउट कि टीचर को कैसे पढ़ाना है और लर्नर को कैसे पढ़ना है, ठीक है? अब टीचिंग में जो मेथड्स होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, ठीक है, हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है, जब हम पढ़ाई करते हैं, हम कुछ चीज को लर्न करते हैं, इट्स ऑल अबाउट ये सब चीज है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास। सो टीचिंग क्या है? टीचिंग इज अ प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड एक्ट ऑफ शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है? टीचिंग क्या है? एक प्लान्ड है। क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? तो हर एक वर्ड को आप पकड़ते हुए चलना। टीचिंग क्या होता है? एक प्लान्ड तरीका है और एक कोऑर्डिनेटेड तरीका है, जिससे टीचर क्या करता है, अपनी नॉलेज को शेयर करता है और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है, ठीक है? अब जैसे मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, मैं टीचर हूँ आपकी, आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आप लर्नर्स हो, ठीक है? अब मैं अपनी एक प्लान तरीका है, क्योंकि मैं देखो अपना पीपीटी बना के लाई हूँ अच्छे से, मैं आपको शेयर कर रही हूँ, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाती जाऊंगी, तो ये प्लानिंग है मेरी, ठीक है? कोऑर्डिनेशन के साथ, आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ मैं अपना नॉलेज, जो मेरे अंदर जितनी नॉलेज है वो, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड कब से पढ़ रही हूँ, है ना, या मेरे पास क्या क्या एक्सपीरियंस है, मैंने, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ ऑलरेडी, तो वो सब एक्सपीरियंस और मेरी नॉलेज मैं जब आप लोगों से शेयर करूंगी, तो उसको कहा जाता है टीचिंग, ठीक है? तो बेसिकली द प्राइम रोल ऑफ ए टीचर क्या है? टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन। मेरा एक सबसे प्राइमरी नॉलेज चीज क्या है जो टीचर को करना है, वो क्या है? अपनी नॉलेज को शेयर करना, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, बच्चों की जो समझ है उसको बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि बस एक टीचर बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, और बच्चों को दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमने देखा है हमारे इंडियन एजुकेशन में, मैक्सिमम जब हम लोग स्कूल टाइम में थे तो ऐसा ही था, आधी बार तो मुझे टीचर्स की बातें समझ ही नहीं आती थी, बस वो लोग बोलते रहते थे, ठीक है? तो सिर्फ वो बोल रहे हैं और हम बस कॉपी में लिख रहे हैं, वो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग नहीं होता। तो पर बेसिक टीचर का काम क्या है कि वो नॉलेज को शेयर करे, इंफॉर्मेशन दे, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए, ठीक है, और स्टूडेंट्स के अंदर एक स्किल्स बढ़ाए, ठीक है? जैसे कि अभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो मैं एज ए टीचर, मेरे अंदर, मैं आपको इस तरीके से चीजों को समझाऊं कि जब आप खुद एक टीचिंग करो, तो जब आप खुद टीचिंग करोगे तो आपको पता होगा कि अब मुझे टीचिंग कैसे करानी है, ठीक है? क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी कि अच्छा इस तरीके से टीचिंग कराई जाती है, ठीक है? तो आपके अंदर वो स्किल्स लेकर आना, स्टूडेंट्स के अंदर वो स्किल्स लेके आना, स्टूडेंट्स के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग लेके आना और इंफॉर्मेशन देना टीचर का काम है, ठीक है? तो द वर्ड एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? कोई भी एबिलिटी को या कोई भी स्किल्स को बना देना, ठीक है? कोई भी एबिलिटी, कोई भी स्किल्स, जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल हम टीचिंग भी एक स्किल्स होता है, ठीक है? तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि मैं जब वो जो स्किल्स, ये जो टीचिंग का जो स्किल है, इस स्किल को आपके अंदर उस चीज की ऐसी अंडरस्टैंडिंग, या आपको स्किल को सिखा देना, ठीक है, कोई स्किल को सीख लेना या सिखा देना एप्टीट्यूड कहा जाता है। तो टीचिंग क्या होता है? टीचिंग मतलब इंफॉर्मेशन देना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, ठीक है, ये हो गया टीचिंग। और एप्टीट्यूड का मतलब होता है ये जो टीचिंग वाला जो स्किल है, इस स्किल को बच्चों के अंदर ढाल देना या उनको अच्छे से सिखा देना उस चीज को। तो फिर ये पूरा कंप्लीट वर्ड बनता है टीचिंग एप्टीट्यूड,
ठीक है. तो दस टीचिंग एप्टीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायर एबिलिटी, वो एबिलिटी को का डेवलपमेंट करना और एक स्किल्स को सेट करना विच आर एसेंशियल फॉर अ गुड टीचर. एक अच्छा टीचर बनने के लिए जो एबिलिटी होनी चाहिए बच्चों के अंदर, जो लर्नर को एक टीचर सिखाएगा कि देखो गुड टीचर कैसे बना जाता है. तब अभी हमने क्या सीखा कि सिर्फ भाषण देना इज नॉट अ टीचिंग, ठीक है. अच्छी इंफॉर्मेशन देना, जो वैल्यूएबल टीचर जिसके अंदर कंटेंट अच्छा हो, उसके साथ बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी डालना. हमें पता है हमने अपनी एजुकेशन मैक्सिमम बच्चों की ऐसी रही होगी क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे ऐसी ही पढ़ाई होती है कि जहां पे सिर्फ भाषण दिया जाता है. तो भाषण के अलावा अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए बच्चों के अंदर. क्यों मैं बोल रही हूँ कि बच्चों इंटरैक्ट करना है आप लोगों को, मुझसे बात करनी है, क्योंकि इंटरैक्शन होगा तभी मुझे समझेगा अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं. आपको आपके अंदर उतनी अंडरस्टैंडिंग आई है या नहीं आई है वो तभी पता चलेगा जब आप लोग मुंह खोलोगे, अपना अपने आप को अनम्यूट करोगे और बोलोगे कि हाँ मैम ये बात समझ में आई या ये बात समझ में नहीं आई. वहां पे समझ में आता है कि अंडरस्टैंडिंग हुई है कि नहीं, ठीक है. तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, एक ऐसी एबिलिटी को जो या एक स्किल को सेट कर देना या डेवलप कर देना एक स्टूडेंट के अंदर, क्या करने के लिए, एक अच्छा टीचर बनने के लिए. बस इसी का मतलब है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है. वो स्किल दे देना कि भाई हम जो लर्नर्स हैं आज की डेट में, जो स्टूडेंट है वो भी आगे चल के बहुत अच्छे लेवल के टीचर्स बन सके, ठीक है. और टीचर का मतलब क्या होता है, टीचर को का काम है एक जो फ्यूचर है हमारा वो सब टीचर के ऊपर ही डिपेंड करता है. क्योंकि बच्चों को हम सिर्फ भाषण नहीं देते, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाते हैं, उनके माइंड को ग्रो करते हैं, ठीक है, उनके अंदर स्किल्स सेट करते हैं ताकि वो हमारे लिए आगे फ्यूचर में अपना कुछ अच्छा कर सके, भविष्य बना सके, है ना. इतनी बात समझ में आई? यस मैम. यस मैम. ठीक है. यस मैम. अब टीचर ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग के, ठीक है. तो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कवर्स डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, ठीक है. टीचिंग का एक ऑब्जेक्ट है कि एक लर्निंग करा देना, ठीक है. लर्निंग कराना सबसे बेसिक चीज जो है जो टीचिंग की है वो यही है कि सामने वाला जो स्टूडेंट है आपको उसके अंदर लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है. जैसे फर्स्ट पॉइंट एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को एक्वायर करना, ठीक है. नॉलेज दे देना, जो इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, मेमोरी को सेट करना. दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे अभी आप लोग स्टूडेंट्स हो, ठीक है, मैं टीचर हूँ, मेरा काम है कि मैं आप लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट करूँ, ठीक है, कि सिर्फ आप सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, आपको चीजें समझ भी आ रही है, ठीक है. तो पहला था कि नॉलेज शेयर करूँ, ठीक है, नॉलेज दूँ, मेमोरीज बनाऊँ, ठीक है, अच्छे जो बातें जो कंटेंट आपको पता होनी चाहिए से टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए वो आपके पास हो. उसके बाद उस नॉलेज का आप करोगे क्या जब तक आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो. तो नॉलेज आ गई, फिर नॉलेज के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो आप और थोड़े ऊपर लेवल पे चले जाओ, ठीक है. फिर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स. अब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है. कोई भी सब्जेक्ट का या कोई भी नॉलेज का कॉन्सेप्ट हमें जब पता होगा तभी हम चीज में एक्सेल कर सकते हैं. इंटेलेक्चुअल और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स आपके अंदर सेट करें, ठीक है, स्टूडेंट्स के अंदर सेट करें, यह टीचर का काम है, ठीक है. सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो बच्चों के अंदर होना चाहिए. फिर डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, वैल्यू डेवलपमेंट करना कि हमें जैसे अभी हम टीचिंग पढ़ रहे हैं तो टीचिंग के लिए वैल्यूज क्या क्या होते हैं, कि आपको अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए बच्चों से, उनका नॉलेज बढ़ाना चाहिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी चाहिए, बच्चों को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है, फिर बच्चों की स्किल सेट बढ़ानी चाहिए. तो ये कुछ वैल्यूज होते हैं, तो वैल्यूज को भी डेवलप कर देना, वैल्यूज डेवलप कर देना भी एक टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है. टीचर ही सिखाता है ना कि वैल्यूज क्या है. आप जैसे सोशल वैल्यूज भी टीचर ही सिखाता है, बहुत पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स से भी सीखा जाता है, बट बच्चा स्कूल से भी बहुत कुछ सीखता है, अपने टीचर से भी बहुत कुछ सीखता है. अपने वैल्यूज कहाँ से बनते हैं, मैक्सिमम एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में सबसे ज्यादा वैल्यूज जो होते हैं वो वहीं सीखता है बंदा, अपने क्लास में, ठीक है, अपने स्कूल में. तो वैल्यूज को डेवलप करना ये भी एक ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का. इतना समझ में आया, यहाँ किसी को डाउट है स्लाइड में तो पूछ लो. किसी को डाउट है यहाँ पे तो पूछो, बोलो भाई बच्चों.
नो मैम, सिर्फ गायत्री बोलती है, बाकी बच्चे को क्या हो गया, सो रहे हो क्या आप लोग? जी मैम, हाँ सोने पप्पा भी रहे। बोलते, हाँ सोना नहीं है अभी, टाइम सोने का है मुझे मैम पता है, पर सोना नहीं है। कल 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 से, आज से ही वो कैमरा चालू करके सबको बैठने के लिए बोल रहा है। अच्छा मैं कैमरा, एक्चुअली मैं कैमरा पता है क्यों नहीं चालू कर सकती, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ फोन से, मैं ना फोन से पढ़ाती हूँ, तो अब मैं जब फोन से पढ़ाती हूँ तो आपको पता है कैमरा नहीं शुरू हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं ये शेयर कर रही हूँ ना स्क्रीन, तो मुझे स्क्रीन देख देख के पढ़ाना पड़ता है। अगर मैं लैपटॉप से पढ़ाती तो मैं कैमरा ऑन करके पढ़ाती। और मैं अभी हूँ अपने, मैं जहाँ रहती हूँ मैं वहां से बाहर आई हूँ, क्योंकि मेरे खुद के एग्जाम्स थे, तो एक बार मेरा लैपटॉप पे मैं जब पढ़ाऊंगी ना तब मैं अपना कैमरा ऑन कर लूंगी। ऐसा है क्या मेरा मुंह देख के ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी, ऐसा है क्या? क्योंकि No, किसका अटेंशन कितना है वो पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा? सॉरी, सबकी अटेंशन क्या है, मतलब कोई सो अच्छा कर अच्छा रहे या बैठ अच्छा कर आप रहे। ये हाँ बोल रहे हो कि आपका कैमरा ऑन करवा दूं? अच्छा नहीं, ऐसा नहीं करने की जरूरत हमें, है ना? नहीं ऐसा, वैसे तो सही बोल रहा है, कैमरा ऑन करवाऊंगी मैं, बट एक बार मैं लैपटॉप पे जब पढ़ाऊंगी ना ओके तब मैं कैमरा ऑन करवाऊंगी, ओके क्योंकि मैं अभी खुद भी नहीं देख सकती, पता ही है ना आपको, फोन ओके पे ओके तो मैं सिर्फ स्क्रीन यही देख सकती हूँ जो हमारी पीपीटी चल रही है, मैं बाकी कुछ नहीं हाँ देख। हाँ पर हाँ मैं ओके डेफिनेटली okay. ये शुरू करवाऊंगी, कैमरा ऑन करवाऊंगी, जो बच्चे सो रहे हैं फिर वो पकड़े जाएंगे। ठीक है जी चलो, इधर तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, सब क्लियर है तो आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, तो हाँ इन मैम जनरल, क्लियर। अब इन जनरल क्या बात होती है, टू चेंज द बिहेवियर और कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, सबसे बेसिक चीज जो होती है अगर एग्जाम में ऐसे आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि भाई टीचिंग का सबसे बेसिक जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे बेसिक जब चार ऑप्शन में से आपको अगर ये दिख गया ना कि टू चेंज द बिहेवियर, ठीक है, तो यही चूज करना है आंसर, टू चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक जो लर्नर है उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और एक उसे एक रास्ता, हाँ बोलो। बोल थोड़ा रहे तो मतलब बोलो, ये थूम का तो कह सकूं। म्यूट कर लो भाई, बच्चों म्यूट कर लो। ठीक है, तो टीचिंग का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों का जो लर्नर है आपके जो स्टूडेंट्स है उनके अंदर उनके बिहेवियर में कुछ चेंज होना चाहिए। ठीक है, कि कुछ सीख कर, जैसे अगर हम किसी को टीचिंग एप्टीट्यूड सिखा रहे हैं तो आज जो हम उनको क्लास दे रही हूं मैं, ठीक है, तो उस लर्निंग से जो उनको पढ़ा रही हूं मैं उससे उनके बिहेवियर में कुछ चेंज आना चाहिए। बिहेवियर में चेंज एज इन कि जब वो आगे किसी को पढ़ाए, है ना, तो उनको वो चीज पता हो, जो आज जैसे क्लास में कोई स्किल सीखी है कि अच्छा टीचिंग का मतलब होता है सिर्फ भाषण ना देना और बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग लेकर आना। ठीक है, पर ये हमेशा सब किसी को, देखो नेचुरली भी कोई कोई होता है जो एकदम नेचुरल टीचर होता है, जो बचपन से ज्ञान देना और अंडरस्टैंडिंग ये सब वो समझता है, पर हर किसी को इस चीज के बारे में नहीं पता होता। ठीक है, कुछ कुछ होते हैं जो क्लास में बैठ के लर्न करके फिर आगे उस चीज को ऐड करते हैं अपने बिहेवियर में। ठीक है, तो कोई भी चीज को लर्न करके बच्चों के बिहेवियर में कुछ चीज ऐड करके फिर वो स्किल्स को बढ़ाना। ठीक है, तो इन जनरल क्या हो गया, टू चेंज द बिहेवियर एंड कंडक्ट स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंजेस लाना एक टीचर का काम है। ठीक है, फिर क्या है, टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो लर्निंग स्किल्स है वो भी बढ़नी चाहिए स्टूडेंट्स की। ठीक है, जो मेथडोलॉजिकल है, ठीक है, कि किस मेथड से कैसे किस चीज से आप बेटर लर्न कर सकते हो उस चीज को भी समझा देना। क्रिटिकल थिंकिंग बेसिक चीज है टीचिंग में, कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग लेकर आना। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जब वो क्रिटिकली सोच विचार करे किसी चीज के ऊपर। आप जब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टीचर आया क्लास में, उसने आपको पढ़ाया, आपने पढ़ा और आप चले गए, ठीक है, ये एक टाइप की लर्निंग होती है। और एक टाइप की लर्निंग ये होती है कि एक टॉपिक बच्चों को दे देना, उनके उस टॉपिक के बारे में एक बेसिक आइडिया देना, और फिर आगे बच्चों को बोलना कि तुम अब इस चीज के ऊपर रिसर्च करो, ठीक है, या आप सोच विचार करके मुझे इस चीज का जवाब दो। ठीक है, ये एक टाइप की लर्निंग होती है, और सबसे इफेक्टिव लर्निंग यही होती है जिसमें बच्चे को अपना दिमाग खुद लगाना पड़ता है, स्टूडेंट को अपना दिमाग खुद लगाना पड़ता है। जब वो खुद अपना किसी टॉपिक के ऊपर दिमाग लगाता है तो पहली सबसे पहली बात तो वो एक एक लेवल उसका ऊपर बढ़ जाता है, उस टॉपिक को उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, वो खुद से इतनी अच्छे से चीजों को रिसर्च करके ढूंढ के लेकर आता है कि उसके दिमाग में वो बात परमानेंटली बैठ जाती है, वो कभी उस चीज को भूलेगा नहीं। ठीक है,
प्लस वो इवेल्युएशन कर पाएगा, ठीक है, उसका लेवल बढ़ जाएगा उस टॉपिक, उस रिलेटेड टॉपिक से, जब वो क्रिटिकल थिंकिंग करने लगेगा, ठीक है। तो एक टाइप की लर्निंग क्या है, क्लास में आया बच्चा, मैडम ने जो बोला सुना, उसने सुन के अपना लिखा, नोट वोट लिख के अपनी बुक बंद करके चला गया, ठीक है। दूसरा ये है कि क्लास में आया, टॉपिक समझा, उसके ऊपर उसने खुद ने रिसर्च की थोड़ी, खुद से उसने क्रिटिकल थिंकिंग की, सोच विचार किया कि इस चीज को मैं कैसे कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, तो सिर्फ डायरेक्टली टीचर से ना पूछ के जब वो खुद से अपना दिमाग लगाएगा कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, वही बच्चा मैथ्स में एक्सेल कर पाता है, ठीक है। और जो रट रट के जाते हैं ना मैथ्स का एग्जाम, वो कभी भी एक्सेल नहीं कर पाते मैथ्स में। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग करना, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग कभी भी एग्जाम में आ जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो टीचर से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट होता है क्रिटिकल थिंकिंग करवाना, ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस आए, ठीक है, उनके बिहेवियर में चेंज आना, ये सेकेंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। उसके बाद वही लर्नर की स्किल्स बढ़ाना, ठीक है, मेथडोलॉजिकली उनको, मतलब स्किल्स जो है वो प्रॉपर मेथड से वो सीख सकें, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग लाना, उनकी राइटिंग को इम्प्रूव करना, राइटिंग स्किल्स बढ़ाना, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना, ठीक है, और उनको हाइपोथेसिस करवाना, मतलब वो खुद से हाइपोथेसिस कर पाए, खुद से कोई चीज के बारे में आइडिया को सोच पाए। खुद से जब वो आइडिया सोचने लगेंगे, मतलब वो एक अलग लेवल पे पहुंच चुके हैं लर्निंग के, ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, आइडिया लगाना, आइडिया, खुद का आइडिया बनाना कोई, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के नॉलेज देना एक टीचर का, एक टीचिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। टू प्रोवाइड ए सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, और एक सोसाइटी का एक ऐसा मेंबर बनना जो सोशल है और जो किसी काम का है, ठीक है। हमेशा हम लोगों को सोशली भी काम आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम बस अपने लिए जी रहे हैं अकेले, ठीक है। अपने माँ बाप के भी काम आना, अपने दोस्तों के काम आना, अपने सोशली अपने आस पड़ोस के काम आना बहुत जरूरी है, वही बंदा सबसे बेस्ट लर्नर होता है और बेस्ट टीचर होता है, ठीक है। तो सिर्फ अपने लिए नहीं काम करना है, बाकियों के लिए भी काम करना जरूरी है, वही बहुत अच्छा लर्नर बनता है, ठीक है। और टीचर का काम क्या है, अपने स्टूडेंट्स को सोशली भी एफिशिएंट बनाना, ये भी एक टीचर का काम होता है, ठीक है। इतना आया समझ में, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। यस मैम, ठीक है, चलो। अब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टीचर के, तो सबको बहुत, ये बहुत बेसिक चीज है, हम सबको मोस्टली पता है, टीचिंग जो है सिर्फ एक आर्ट भी है, ठीक है, इट्स आर्ट, ठीक है। आप किस तरीके से पढ़ा रहे हो, ये एक आर्ट होता है, ठीक है, और ये साइंस भी है, ठीक है। जैसे कि एक टीचर होता है जो आता, बहुत अलग अलग टाइप के आपने टीचर्स देखे होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। कुछ कोई टीचर आता है, खड़ा होता है, बोलता है, चला जाता है। कोई टीचर आता है, आपसे बात करता है, इंटरेक्ट करता है, कोशिश करता है कि आप लोग कुछ अच्छा लर्न कर सके। कोई टीचर और थोड़ी एक्सट्रीम अलग लेवल का होता है, ठीक है, जो आपके दिमाग में आके उस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से बैठा के चला जाएगा कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो आपने डिफरेंट 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 टाइप के टीचर्स देखे होंगे, और उसी से आप समझ जाओगे कि टीचिंग इज अ आर्ट। आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहे हो, आप लर्निंग किस तरीके से करा रहे हो, वो भी एक कला है, ठीक है। तो टीचिंग इज एन आर्ट भी है, एज वेल एज साइंस भी है, ठीक है। टीचिंग इज ए कंप्लीट सोशल प्रोसेस है, ऑब्वियसली सोशल प्रोसेस है ये, है ना। मैं अगर आप लोगों को भी पढ़ा रही हूँ तो ये सोशल ही हो गया ना, मैं बाकी दूसरों के लिए कर रही हूँ ये काम, है ना, तो सोशल प्रोसेस है। टीचिंग इज ए स्किल्ड ऑक्यूपेशन, अब भाई जब वो आर्ट है तो ऑब्वियसली स्किल होनी चाहिए। टीचिंग हर कोई नहीं करा सकता, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हाईली नॉलेजेबल लोग हैं, जिनके अंदर दुनिया जहां का नॉलेज है, बट वो लोग पढ़ा नहीं सकते ठीक से, उनको पढ़ाना नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नॉलेज, और कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको सिर्फ एक ही टॉपिक आता होगा गलती से बेसिक, पर वो भी इस तरीके से पढ़ा जाएंगे उस चीज को कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये इसलिए ये स्किल्ड काम है, ये हर किसी के बस का बात नहीं है, बट जिसने इसको तरीके से कर लिया, मतलब उस बंदे के अंदर टीचिंग के स्किल्स हैं, ठीक है। तो एवरी सक्सेसफुल टीचर इज एक्सपेक्टेड टू नो द जनरल मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। अब जितने भी सक्सेसफुल टीचर होते हैं ना, उनको टीचिंग लर्निंग के जो बीच का सिचुएशन होता है, जो जनरल मेथड्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट सबको पता होता है। किसकी बात हो रही है, एक सक्सेसफुल जो टीचर है,
टीचर तो बहुत है दुनिया में, पर सक्सेसफुल टीचर की बात हो रही है, ठीक है। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। टीचिंग क्या प्रोसेस है? उस टीचिंग में डेवलपमेंट भी होती है, टीचिंग खुद डेवलप होती है। जैसे आज मैं अगर आप लोगों को कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। मेरे अंदर भी जब हम बोलते हैं, जब हम खुद से पढ़ते हैं, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं खुद पढ़ के आती हूँ, तो इसमें डेवलपमेंट ही हो रहा है, ठीक है। मेरी भी लर्निंग बढ़ रही है। तो टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर की भी डेवलपमेंट होता है और टीचर भी लर्न करता है, साथ के साथ स्टूडेंट्स भी डेवलप करते हैं और स्टूडेंट भी लर्न करते हैं, ठीक है। तो ये था नेचर एंड कैरेक्टर। ये सब रटने वाली चीजें नहीं है, मैंने आप लोगों को समझा दिया, आप समझ जाओगे। आप लोगों को सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नहीं मैम, ठीक है। रेनु, साक्षी, सविता, स्नेहल, स्टेला, वज्रेश्वरी, आप लोग किधर हो? अनम्यूट करो। हम क्लास में है। हाँ, बोला करो, ठीक है, सारे बोला करो। सविता बोली अभी, ठीक है। स्नेहल, ओके स्नेहल, ठीक है। कौन सो रहा है? कौन है खाना खा के सो रहा है? जो नहीं सो रहे मैम, नहीं सो रहे मैडम। ओके गुड, पूछना पड़ता है क्योंकि आ जाती है बीच बीच में नींद, मेरे को पता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मोस्ट डिजायरेबल स्किल ऑफ टीचर का, मोस्ट डिजायरेबल, सबसे अच्छी स्किल क्या होती है टीचर की, ठीक है। तो हमें पता ही है, टीचर टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचर शुड नो हिज सब्जेक्ट थॉरली वेल, ठीक है। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले आ चुके हैं कि जिसमें पूछा गया है, बताओ टीचर के स्किल्स क्या होने चाहिए, ठीक है। तो टीचर शुड नो हिज सब्जेक्ट थॉरली वेल, टीचर को अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर टीचर को सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है तो क्या पढ़ाएगा, है ना। तो टीचर को अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। टीचर शुड हैव एनालिटिकल स्किल्स, मतलब कि वो एक चीज को तोड़ के बच्चों को समझा सके। जैसे बहुत से कॉन्सेप्ट बहुत टफ होते हैं, एकदम से वो कॉन्सेप्ट को सामने रखना बच्चों के सामने, वो नहीं समझ पाते, इसलिए उस कॉन्सेप्ट को ब्रेक करके, ठीक है, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर हर एक उस छोटे छोटे टुकड़े को अच्छे से एक्सप्लेन करके बच्चों के दिमाग में वो टुकड़ों के सहारे वो चीज को, कॉन्सेप्ट को बैठा देना, इसको बोलते हैं एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है। अलग अलग पार्ट करके फिर उस पार्ट को समझाएंगे, थोड़ी डीप में, ये डीप की स्टडीज होती है, ये डीप में पढ़ाना बच्चों को, बेसिक नॉलेज को दे के फिर एक बड़ी नॉलेज तक जाना, इसको बोलते हैं एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है। तो टीचर के अंदर वो भी होना चाहिए। वंस पर्सनालिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू क्लास एंड स्टूडेंट, ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए या ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जो क्लास के साथ और स्टूडेंट के साथ रिलेट कर सके। ऐसा बहुत से आपने टीचर्स ऐसे देखे होंगे, भाई क्लास में आते एकदम हाई फंडू टीचर, ठीक है, अपने अपने मस्त हाई फंडू अपने उसमें आते हैं कि भाई मेरे से ऊपर तो कोई नहीं और मेरे से कुछ नहीं, है ना। तो वो अपने एटीट्यूड में रहते हैं, वो बच्चों के साथ रिलेट नहीं कर पाते, ठीक है, वो बच्चों के साथ ना ही रिलेट कर पाएंगे, ना ही वो क्लास के साथ रिलेट कर पाएंगे। फिर बच्चे उनसे क्वेश्चन पूछने में भी डरते हैं, ठीक है, कि अगर मैं इनसे पूछूं, क्योंकि उनका एटीट्यूड ही ऐसा होता है। अगर आप उनसे क्वेश्चन भी पूछोगे तो आपको डर लगेगा पूछने से पहले कि भाई ये तो मेरे को बोल देगा कि तेरे को कुछ नहीं आता, है ना। बहुत से ऐसे टीचर होते हैं जो जज करने लग जाते हैं बच्चों को, तुमको ये नहीं आता, तुमको ये नहीं आता। अरे भाई नहीं आता तभी तो आपसे पूछ रहा है, है ना। तो ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए टीचर की, हमेशा ऐसे रहना चाहिए कि बच्चे उसके साथ रिलेट कर सके कि भाई ये सर अपना है या ये मैडम हमारी है, हम इनको कुछ पूछेंगे ना ये कभी भी हमको जज नहीं करेगा या हमको उल्टा नहीं बोलेगा, ये हमारे डाउट क्लियर करेगा, क्योंकि ये हमें समझता है, ये टीचर हमें समझता है, ठीक है। तो वो वैसी पर्सनालिटी टीचर की होनी चाहिए। टीचर एंड स्टूडेंट बोथ एक्टिव, ये देखो लास्ट पॉइंट जो मैं फर्स्ट टाइम से क्लास ऑन होने से ही बोल दिया था, एक्टिव होने चाहिए दोनों। ऐसा नहीं है बस टीचर क्लास में आया, बोले जा रहा है और स्टूडेंट जो है अपना रिलैक्स है, अपने सो रहे हैं, खा रहे हैं, बस अपने घर में क्या कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता कितने बच्चे लेट के पढ़ रहे होंगे, कितने बच्चों को नींद आ रही होगी, कितने बच्चे खा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता, है ना। तो इसलिए दोनों को एक्टिव होना जरूरी है, दोनों का आपस में इंटरेक्शन जरूरी है, तभी पता चलता है टीचर को भी कि बच्चा कितना समझ रहा है,
ठीक है, और स्टूडेंट भी फिर जब बोलेगा ना तब वो खुद से एक्टिव होने लगता है कि अरे हाँ मेरे को मैम को ये बोलना है, मेरे को ये बताना है, मेरे को अभी ये बोलना है, तो फिर वो खुद से अपने दिमाग से एक्टिव होने लगेगा। ठीक है, बॉडी कैसे इस टाइम पे थोड़ी आई नो वैसी रहती है, थकावट किसी किसी की होती है, बहुत से बच्चे जो ऐसे हमेशा ही एक्टिव रहते हैं, बट फिर भी स्टिल अगर मेजोरिटी में देखा जाए तो इसलिए दोनों का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, या ये स्लाइड समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। ओके, अब फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, टीचिंग को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर। अफेक्टिंग मतलब खराब चीज में नहीं, मतलब टीचिंग किस चीज से अच्छी हो सकती है, है ना, या किस चीजों से टीचिंग पॉसिबल है। जैसे कि ये प्रभावित है, ऐसे कुछ होगा ना, किस चीजों से प्रभावित है टीचिंग। हाँ, प्रभावित है, करेक्ट। ठीक है, तो इन चीजों से टीचिंग प्रभावित है। तो पहला क्या है, ऑल थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, तीन वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, पहला है टीचर, दूसरा होता है स्टूडेंट और तीसरा होता है कंटेंट। ठीक है, कि क्या पढ़ाया जा रहा है, तो ये तीन वेरिएबल होते हैं टीचिंग के अंदर। ठीक है, कि टीचर क्या पढ़ा रहा है या टीचर कैसा है, स्टूडेंट जो है क्या वो एक्टिव लिसनर है या पैसिव लिसनर है। ठीक है, कि एक्टिवली सुनता है या फिर रिलैक्स अपने मोड में है, कुछ सुनता नहीं है। ठीक है, या कंटेंट क्या है, कंटेंट सॉलिड है या कंटेंट कुछ भी नहीं है, बकवास है, टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो इन तीन वेरिएबल पे डिपेंडेंट होती है टीचिंग, कि टीचिंग सही हो रही है या गलत हो रही है। ठीक है, अब टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिश्ता कैसा है। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ कि इंटरेक्ट करो तभी पता चलेगा कि आप लोग कौन हो, मैं आपको जल्दी पहचानूंगी। ठीक है, तो पहचानूंगी तो मेरे को समझ में भी आएगा, आप लोगों से बात करूंगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, हमारा रिलेशनशिप बनेगा, है ना। तो टीचिंग और स्टूडेंट का रिश्ता कैसे है उस पर भी डिपेंड करती है टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ टीचिंग यूज। अब मेथड क्या यूज हो रहा है, जैसे मैं क्या मेथड यूज कर रही हूँ, बताओ मैं कौन सा मेथड यूज कर रही हूँ पढ़ाने का, बोलो। इंटरेक्टिव वे। हाँ, मतलब इंटरेक्टिव वे है, राइट। और मैं कौन सा ऑनलाइन मेथड चूज कर रही हूँ पढ़ाने का, है ना। तो कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, ये भी है। फिर है सोशल एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, हम कहाँ पर हैं, क्या हम स्कूल में है, स्कूल में तो आपको पता है सबसे ज्यादा। धर्मेंद्र जी नमस्ते, बहुत दिनों बाद। ठीक है, जैसे स्कूल में हो आप, अब स्कूल में आपको पता है कि एनवायरनमेंट ही पढ़ाई का होता है। आप लाइब्रेरी में हो या आप घर पे हो, अब घर पे है, बेड है सामने, है ना, बेड पे बैठे हुए हैं, अपना आराम से रिलैक्स है, खाना बन रहा है, सीटियां बज रही हैं, है ना, या बच्चे आसपास भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो इन्वायरमेंट कैसा है पढ़ने का। लाइब्रेरी में, स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, घर पे अगर बहुत डिस्टर्बेंस है तो पढ़ाई नहीं होगी। अगर आपके पास एक अपना कमरा है पढ़ने के लिए, है ना, तो वो भी एक अच्छा इन्वायरमेंट है पढ़ने का, है ना। तो इन्वायरमेंट कैसा है वो भी डिपेंड करता है। फिर सोशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि टीचर ने अगर खुद से पढ़ाई की हुई है तो ऑब्वियसली बात है उसके पास नॉलेज है, वो खुद भी पढ़ा पाएगा। फिर स्किल्स, टीचर सबसे इंपॉर्टेंट है, टीचर की स्किल है क्या पढ़ाने की, टीचर की खुद के पास स्किल है क्या। नॉलेज तो चलो उसके पास बहुत सारी है, पर वो नॉलेज शेयर करने की एबिलिटी है क्या उसके पास, है ना। फिर टीचर का एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस होगा टीचर, जितना उसने पढ़ाया होगा पहले, है ना, तो उतना ही वो जानता होगा कि बच्चों की मेंटेलिटी और क्या होती है, या बच्चों को कितना किस तरीके से समझाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। ओके, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, जैसे क्लास में आप बैठे हो तो बच्चे बड़े बड़े शैतान है, पीछे से चौक मार रहे हैं या एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, तो उधर हमेशा डिस्ट्रैक्शन रहेगी। अगर क्लास का एनवायरनमेंट या टीचर एकदम स्ट्रिक्ट है, है ना, उसने बच्चों को डांटा कि भाई ऐसे नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, है ना, तो टीचर ने कैसा एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, बच्चों ने कैसा एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर मतलब आपकी, आप किस तरीके से, आप अच्छे स्कूल में जा रहे हो या आप मीडियोकर गवर्नमेंट स्कूल में हो या आप किस स्कूल में हो, है ना, या आपके पास टीचर कैसा है, आप क्या अच्छे से ट्यूशन फीस अपनी दे के एक अच्छे टीचर के पास जा रहे हो क्या, है ना। आप गरीब, बहुत से होते हैं जैसे गरीब लोग होते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, है ना, एफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ गए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी ऑफ स्कूल एंड कॉलेज और यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो स्कूल की पॉलिसी क्या है, है ना, क्या बहुत से, अगर आप आजकल प्राइवेट स्कूल्स को देखोगे तो वो बहुत स्टूडेंट सेंट्रिक हो रहे हैं, है ना। मतलब टीचर्स, पहले क्या था हमारी जो एजुकेशन थी वो टीचर सेंट्रिक थी, पर अब वो धीरे धीरे स्टूडेंट सेंट्रिक हो रही है। मतलब
पहले टीचर के फेवर में चीजें देखी जाती थी कि टीचर के लिए क्या कन्वीनियंट है, पर अब पॉलिसीज बनती है कि स्टूडेंट के लिए क्या कन्वीनियंट है उसको क्या समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है ना, तो वैसी पॉलिसीज जो स्टूडेंट के लिए हो बेटर या किसके लिए है तो वो डिपेंड करता है इस पे। सब्जेक्ट मैटर क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, जैसे पेरेंट्स भी के एक्सपेक्टेशंस कैसे है, बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो हाँ डेमोक्रेटिक भी, ठीक है, पेरेंट पेरेंट के एक्सपेक्टेशंस कैसे, जैसे पेरेंट्स भी कभी कभी बीच में आते हैं टीचर्स के, ठीक है, जब टीचर्स पढ़ाते हैं किसी तरीके से तो कुछ टीचर्स होते हैं जो बोलते हैं कि मैम आप अच्छा पढ़ा रहे हो, या कुछ बोलते हैं कि मैं ये अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है या ये हो रहा है, हमें बच्चे को हम ये चाहते हैं वो चाहते हैं, मतलब जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी होती है कुछ, या वो पुश करते हैं बच्चों को कि पढ़ो भाई, या कुछ बच्चे बोलते हैं हमारे बच्चों को परेशान मत करो, ठीक है, तो ये पेरेंटल कंट्रोल आ जाता है। तो ये सब ओवरऑल देखा जाए तो ये टीचिंग के फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो इफेक्ट करते हैं टीचिंग में, कि टीचिंग किस तरीके से करानी है, ये सब फैक्टर्स इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इधर कुछ डाउट है किसी को? नो मैम, नो मैम, नो मैम। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जैसा पढ़ाती हूँ? इसमें आपको कोई परेशानी है तो बताओ। मैम 10 नंबर की पॉइंट एक बार बताएं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। हां 10 नंबर जो पॉलिसी ऑफ स्कूल, मतलब कि स्कूल और कॉलेज भी तो कुछ बनाते हैं ना रूल्स, कुछ स्कूल भी कॉलेज भी तो पॉलिसीज बनाती है ना, जैसे कि आप पहले मैंने यही तो बताया कि पहले टीचर्स के लिए ज्यादा रूल्स थे कि टीचर्स के फेवर में कि भाई टीचर इतना ही पढ़ाएगा इतना ही होगा। आजकल आप देखोगे कि स्कूल्स में बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि पॉलिसी स्कूल ने बना दी ना कि स्टूडेंट के ऊपर ध्यान दो, स्टूडेंट को इतना। अब आजकल टीचर्स की स्कूल में बहुत ज्यादा बैंड बज रही है, क्योंकि टीचर्स से काम ज्यादा कराया जा रहा है, क्योंकि वो स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं ज्यादा। स्टूडेंट को बहुत पढ़ाओ, है ना, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, उनके लिए अब प्रेजेंटेशन अलग पीपीटी बनवाओ, है ना, उनको बोर्ड पे नहीं उनको ऑनलाइन पढ़ाओ, है ना, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज जो स्कूल कॉलेजेस बनाते हैं, इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, ठीक है, ठीक है। आया समझ में या नहीं आया? आया, ठीक है। हाँ तो मैं पूछ रही थी बच्चों समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ाती हूँ, या फिर कोई डाउट है यहाँ तक क्रिएटिव टीचिंग को पढ़ा हुआ? नो डाउट मैम, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, अब टीचिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, जैसे एक होती है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेरिएबल वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है, जैसे कि अब एक टीचर है, जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, ठीक है, जैसे कि मैं अभी आई हूँ क्लास में आप लोगों को पढ़ाने के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए आप लोग डिपेंडेंट हो कि नहीं मुझ पे? यस मैम, डिपेंडेंट। हाँ मैम, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया? स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? टीचर होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है, टीचर। क्योंकि देखो इंडिपेंडेंट क्यों हूं मैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने के लिए जरूरी तो नहीं है कि मैं ही एक टीचर हूँ, नेहा मैडम भी पढ़ा सकती है, ठीक है, नेहा मैडम भी आ सकती है पढ़ाने के लिए, कभी शोभा भी मैडम आ सकती है, कभी ज्ञान सर भी आ सकते हैं, तो मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, टीचर डिपेंडेंट नहीं होता, टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। टीचर को आप चेंज कर सकते हो, पर स्टूडेंट तो वही सेम रहेंगे जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए टीचर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे, है ना, टीचर डिपेंडेंट नहीं है, टीचर इंडिपेंडेंट है, और स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एक टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि टीचर ही उनको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएगा। आया समझ में? कभी क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ टीचिंग के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? तो कौन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, कौन होता है डिपेंडेंट? स्टूडेंट, स्टूडेंट होता है। और ये पूछ लिया कि बताओ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है टीचिंग के अंदर? टीचर होता है, ठीक है। और इंटरव्यूइंग वेरिएबल क्या मतलब कि इन बीच का, बीच की चीज कौन सी है ना, टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स हो गया, है ना, या फिर बीच का इंटरेक्शन हो गया हमारा, हम कैसे बात कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना, डिजायरेबल इंटरेक्शन हमारे बीच में, या कंटेंट पकड़ लो, ये सब वेरिएबल्स है बीच वाले,
डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जो इंटरवीइंग वेरिएबल्स हैं, मतलब बीच के जो वेरिएबल्स हैं, ये होते हैं कि आपस का हमारा इंटरेक्शन, ठीक है, टीचर और बीच के स्टूडेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसको इंटरवीइंग वेरिएबल बोलते हैं. क्वेश्चन पहले जो आया इंटरवीइंग वेरिएबल, इंटरवीइंग जैसे हमारे बीच में जो इंटरेक्शन है, ये अभी ये जो हमारे बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हमारा, अगर देखो हमारा इंटरेक्शन कम होगा, ठीक है, जैसे टीचिंग की बात हो रही है, टीचिंग के वेरिएबल है, टीचिंग कैसी हो रही है, ठीक है, अब टीचिंग कैसी हो रही है, अगर हमारे बीच का इंटरेक्शन अच्छा है, टीचर आपको अपनी बात कन्वे कर पा रहा है, तो ये बीच का वेरिएबल हो गया ना. अगर मैं आपको अच्छे से कन्वे ना कर पाऊ अपना मैसेज, मैं आपको अंडरस्टैंड ना करा पाऊँ, आप मुझसे बात ना कर पाओ, आप मुझे ये ना पूछ पाओ कि मैम ये समझ में नहीं आया या ये टॉपिक, अच्छा मैम ये इंटरव्यूइंग वेरिएबल क्या है, ये जो बीच का हमारा इंटरेक्शन है ना, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का इंटरव्यूइंग वेरिएबल है, इसको बोलते हैं बीच का वेरिएबल. ठीक है, तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में, मैंने पहले भी बताया, स्टूडेंट और जो टीचर के बीच में, हाँ ये जो इंटरवीइंग वेरिएबल है, ये टीचर और स्टूडेंट की संबंध संपर्क करते, मतलब दोनों के कम्युनिकेशन करते, जोड़ते हैं उनको, जोड़ते हैं, क्लास का रूप पैदा करते हैं, एक क्लास का वातावरण क्रिएट कर दे. करेक्ट, तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया फिर, इंटरवीइंग वेरिएबल हो गया, क्योंकि देखो अगर इंटरेक्शन ही नहीं है ना बीच में, तो टीचर कौन, स्टूडेंट कौन, कौन है फिर, जब बीच में बात ही नहीं हो रही, टीचर पढ़ा ही नहीं रहा, स्टूडेंट सुन ही नहीं रहा, फिर काहे की टीचिंग, कौन सी टीचिंग है फिर, यहाँ कोई टीचिंग नहीं हो रही. तो टीचिंग के बारे में बात हो रही है, टीचिंग वही है जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब कि स्टूडेंट है, जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब एक टीचर है, और बीच का इंटरवीइंग वेरिएबल है, मतलब कि बीच में कम्युनिकेशन है. ये तीन वेरिएबल्स होते हैं एक टीचिंग को कंप्लीट होने में. आई बात समझ में? Yes, ma'am. अब देखो नीचे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बताओ कौन है. टीचर. इंडिपेंडेंट आ गया ना, ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़ू. यस चलो, ठीक है अब. यस ठीक है अब. टाइप ऑफ टीचिंग, टीचिंग के अब अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है. पहला तो है ऑटोक्रेटिक टीचिंग, दूसरा है डेमोक्रेटिक टीचिंग, और तीसरा है लेजी फेलियर टीचिंग, ठीक है. तो ऑटोक्रेटिक टीचिंग किसे बोलते हैं, क्वेश्चन आ जाता है, रूट लर्निंग में छोटे बच्चों की. हाँ, तो ऑटोक्रेटिक टीचर क्या होता है, जिसमें टीचर ही चूज करता है कि मटेरियल क्या पढ़ाना है, टीचर ही बताता है कि कैसे पढ़ना है, ठीक है. तो टीचर ही होता है सब कुछ करता धरता यहाँ पे. टीचर जैसे अब मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, ये अभी जो मैं कंटेंट लेकर आ रही हूँ, मुझे ही आपको बताना है कि क्या पढ़ना है, मुझे ही आपको प्रेजेंट करना है, मुझे ही देखना है कि मैं आपको किस तरीके से प्रेजेंट करूंगी ये चीज. तो ये कौन सी लर्निंग हो गई, ये ऑटोक्रेटिक लर्निंग हो गई, ठीक है. तो ऑटोक्रेटिक लर्निंग कैन बी क्वाइट इफेक्टिव इन स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स में बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि वहां पर जो टीचर होता है, वहां पर जो ट्रेनर है, उसको ट्रेनर बोलते हैं, ट्रेनर ही बताता है. जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट कोई गेम है, ठीक है, स्पोर्ट्स है, तो क्रिकेट में ही जो ट्रेनर होगा वो ही बताएगा कि देखो इसको इसको बैटिंग करनी है, इसको बॉलिंग करनी है, इतने इतने ओवर का होगा, ठीक है, ऐसे करना है, बैटिंग इस तरीके से करनी है, बॉलिंग इस तरीके से करनी है. तो वहां पे वो क्या करेगा, मटेरियल लेकर आएगा और प्रेजेंट करेगा और बच्चों को ट्रेनिंग देगा पूरा, हर चीज टीचर ही सिखाएगा, हर चीज, मतलब सर से लेकर पैर तक हर चीज, जहां पे सिर्फ टीचर की ही जिम्मेदारी होती है, टीचर ही पढ़ाता है, टीचर ही सब कुछ लेकर आता है, कंटेंट भी और सब कुछ, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक टीचिंग, ठीक है. जैसे मैम यहाँ पे ऑटोक्रेटिक है, मींस तो ऑटो मतलब तो अपने आप ही होना चाहिए ना. ऑटोक्रेटिक अपने आप ऐसे मत जाओ, ऑटो है तो अपने आप ही होता है. ऑटोक्रेटिक में आप ये समझो कि टीचर ही ऑटो मोड पे पढ़ा रहा है अपना, ऐसे समझ लो, ठीक है. वो जो आप जो बोल रहे हो वो अपने आप वाली वो आगे आएगी, जो हमने यहाँ पढ़ी थी लेजर फेलियर में, इधर आती है थर्ड वाला जो है लेजी फेलियर टीचिंग जो है, इसमें होता है कि बच्चा अपने आप पढ़ता है, ठीक है.
ऑटोक्रेटिक टीचिंग जो होती है इसका मतलब है टीचर ही होता है करता धरता सब चीज का, ठीक है, टीचर ही पढ़ाता है, टीचर ही कंटेंट लेके आता है और सब कुछ टीचर ही कराता है, ओके okay? और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव कहाँ होता है, स्पोर्ट्स में। कोई अगर आपको पूछ लिया जाए एग्जाम्पल, ठीक है, हाँ ये आप सही बोल रहे धर्मेंद्र जी, रोट लर्निंग जिसको बोलता है, रोट लर्निंग, ठीक है, जहाँ रट्टाफिकेशन की बात आती है, आप रट्टा करते हैं बच्चे, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वहां पे क्या होता है, रट्टाफिकेशन कराया जाता है, बच्चों को मतलब नहीं पता होता चीज, जैसे रटाया जाता है, जैसे एबीसीडी आप देखो, उनको नहीं पता एबीसीडी क्या है, हम बचपन में हमें क्या पता था एबीसीडी क्या है, बस हमें बोला जा रहा है तो एबीसीडी हम गा रहे थे गाने, हमें नहीं पता था क्या है, है ना, हमें मतलब भी नहीं पता होता चीजों का, बट बस हम सिर्फ रटते हैं, टीचर लेकर आता है एबीसीडी क ख ग घ और हमें वो रटवाता है, हम रटते हैं, ठीक है, गाते हैं, दे धनाधन गाते हैं, है ना। तो ये हो गया ऑटोक्रेटिक टीचिंग और सबसे इफेक्ट। हाँ बोलो मैम, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से लेवल की मतलब होती है, प्राइमरी पे होती है, सेकेंडरी पे होती है, या ऐसे? यस यस, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं डेफिनेटली। ऑटोक्रेटिक बताइए आपको, ये बच्चों की, ठीक है, जिसको आप पेडागोजी, जिसको आप पेडागोजी भी बोल सकते हो, है ना, हम आगे पढ़ेंगे पेडागोजी एंड्रोलॉजी, है ना, पेडागोजी लर्निंग में भी आप ऑटोक्रेटिक टीचिंग को देख सकते हो। ये थॉटलेस लर्निंग भी है, बच्चा अपनी तरफ से नहीं सोचता नहीं सोच सकता, उसके अंदर एबिलिटी नहीं है सोचने की, ठीक है। तो पर अभी अगर देखा जाए तो कि अब जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे ऑटोक्रेटिक लर्निंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए लेजर फेरियर लर्निंग, ठीक है, यहाँ पे वो लर्निंग होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको, चलो मैं तो आप कंटेंट लेकर आ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, पर आगे आप लोगों की जिम्मेदारी है, इधर तक ही आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको आगे अपनी खुद की सोच बढ़ानी है, क्वेश्चंस देखने हैं, पास्ट ईयर के पेपर देखने हैं, अपने खुद के गूगल खोल के कॉन्सेप्ट समझने हैं और आगे समझनी है बातों को, तब आप माने जाओगे आप लेजर फेलियर कर रहे हो। पर जैसे मैं आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको कंटेंट दिखा दिया, मैंने आपको रटा दिया, आपने रट लिया बिना दिमाग लगा के, ना सोचा ना समझा, बस रटने को रट लिया, तो ये आप अभी भी ऑटोक्रेटिक लर्निंग कर रहे हो। और अपनी इंडियन एजुकेशन में ऑटोक्रेटिक लर्निंग 12वीं क्लास तक चलती है, जब बच्चा 16 साल का हो जाता है तब तक ऑटोक्रेटिक लर्निंग चलती है, इसलिए हम लोग उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते, दिमाग विकसित नहीं हो पाता हम लोग। गलती हमारी नहीं है, गलती हमारी एजुकेशन की है, पर जो अब जो मोदी जी ने जो किया है चेंजेस, तो आई होप अब चीजें बदलेंगी, क्योंकि अब शायद 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी बोला गया है कि वो भी अब ये करेंगे, ट्रेनिंग होगी उनकी भी, उनको भी वेकेशनल जॉब्स करनी रहेंगी ऐसे। हाँ बोल, एक ब्रेकिंग न्यूज और थी, भारतीय शिक्षा बोर्ड भी बन गया बाबा रामदेव, वो भी सीबीएसई के तर्ज पे काम कर, अच्छा ओके ओके, ये भी अभी नया है क्या कुछ? जी मैम, भारतीय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की तर्ज पर बोर्ड बन गया, वो मान्यता देगा स्कूलों को, अलग प्राइवेट बोर्ड भारत का। अच्छा ओके, ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे को भी, मैं अभी थोड़ा पढ़ूंगी इसके बारे में क्या है, तभी मेरे को समझेगा एक्चुअली अच्छे से, ठीक है। चलो, तो इन एक्सपीरियंस जहाँ टीम होती है, जहाँ कुछ नहीं पता, बंदा जो है जीरो अंडा है, गोल, कुछ नहीं जानता किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी भी चीज के बारे में वो नहीं जानता, जैसे छोटा बच्चा होता है कुछ नहीं जानता, जीरो है, ठीक है, स्पोर्ट्स में भी हो गया, कोई भी स्पोर्ट्स में बंदा आता है वो जीरो ही होता है, सीख कर नहीं आता पहले से कहीं से, तो सिखाया जाता है, ठीक है, तो हो गया ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है। अब क्या होता है, देयर इज नो नीड ऑफ लॉट ऑफ डायरेक्शन प्रॉमिस लीडर, ओके, नो फीडबैक सिस्टम, इसमें फीडबैक नहीं लिया जाता बच्चों से, ठीक है, और ये पूरा का पूरा टीचर सेंट्रिक होता है, मतलब पूरा का टीचर सेंट्रिक मतलब सारा का सारा टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसमें स्टूडेंट के से कोई लेना देना नहीं है, टीचर आएगा, टीचर अपना मटेरियल लेकर आएगा, कंटेंट लेकर आएगा, अपना सिखाएगा, अपना बताएगा, डायरेक्शन देगा, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये रटो वो रटो, बस वो रटवाएगा, बच्चों को बोलेगा रटो रटो, बच्चे रटेंगे ABCDEFGH, खत्म। तो ये हो गया टीचर सेंट्रिक, फीडबैक नहीं लिया जाता, जैसे अभी मैं आप लोगों से फीडबैक लेती हूँ ठीक है, मैं पूछती हूँ आप लोगों को समझ में आया क्या जो मैं बोल रही हूँ, मेरी बात समझ में आई, या आपको कोई डाउट है तो पूछो, तो आप लोग पूछ रहे हो, तो यहाँ पे फीडबैक चल रहा है, ठीक है, आप लोगों से वापस मेरे को सुनने को क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आप लोग फीडबैक दे रहे हो, तो जहाँ पे फीडबैक नहीं आते हैं, जैसे छोटे बच्चों के कभी फीडबैक नहीं आएंगे, फर्स्ट क्लास में जाओगे बच्चे फीडबैक नहीं देते कि मैडम ये नहीं समझा, मैडम ये कैसे, ये वैसे, क्योंकि उनका दिमाग उस लेवल पे विकसित ही नहीं हुआ, है ना, तो इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक टीचिंग। आगे बढ़ो, बोलो।
इसमें टीचर ने अगर अपने स्टूडेंट को कुछ कह दिया ये बात सत्य है, तो वो घर वालों से भी लड़ जाते हैं और अपने सर के लिए रोने भी लगते हैं। हाँ ठीक है, हाँ वो तो होता ही है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑटोक्रेटिक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी के अभी। नो मैम। ठीक है आगे चलते आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं ऑटोक्रेटिक से? ये क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे हम, मैं हमेशा क्वेश्चंस करवाती रहती हूँ पास्ट ईयर के, तो वो हम आगे करेंगे। चलो डेमोक्रेटिक टीचिंग की तरफ चलते हैं। डेमोक्रेटिक टीचिंग, डेमोक्रेटिक से ही समझ रहे होगे, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को आजादी दी जाती है। ठीक है, आजादी क्या दी जाती है कि वो किस चीज को कैसे लर्न करना चाहते हैं, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक क्लासरूम अलाउ स्टूडेंट टू चूज व्हाट एंड हाउ दे विल लर्न। ठीक है, पूरा उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं और कैसे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, यस, थॉटफुल लर्निंग जहां पर होती है। मीटिंग एंड डिस्कशन हेल्प स्टूडेंट एंड टीचर, मीटिंग एंड डिस्कशन हेल्प स्टूडेंट एंड टीचर एग्री ऑन क्लासरूम पॉलिसी एंड प्रोसीजर। ठीक है, इसमें क्या होती है, मीटिंग्स, डिस्कशन, जैसे अब हमारी जो क्लास है, ठीक है, आप लोगों के ऊपर पूरी छूट है, आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो, आप लोगों को क्या पढ़ना है, इसलिए आपने ये लिंक ज्वाइन किया है और इसलिए आप आए हो। देखो बच्चे तो वैसे ग्रुप में बहुत है, ठीक है, बहुत बच्चे हैं हमारे ग्रुप में, 3 ग्रुप है भरे हुए ग्रुप, पर उन बच्चों पे डिपेंड कर रहा है पूरा, हमने किसी को जोर जबरदस्ती नहीं की है। स्टूडेंट अपनी मर्जी से आ रहा है लिंक पे क्लिक करके, तो ये क्या अपनी मर्जी से चूज कर रहा है क्या पढ़ना है और उसको कैसे पढ़ना है, वो भी खुद से। और अब कैसे हमारे बीच में डिस्कशन है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में डिस्कशन है, तो डिस्कशन से क्या होता है कि और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, बिहेवियर एंड एजुकेशन इश्यूज आर आल्सो रिजॉल्व्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ मीटिंग एंड डिस्कशन। ठीक है, अब जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट होंगे जिसमें आप लोगों को क्लियर नहीं होंगे और आप लोगों को मेरे पढ़ाने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि मैम स्टिल अभी भी डाउट है। ठीक है, तो आप जब पूछोगे मैं आपको जवाब दूंगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, तो बिहेवियर में भी चेंज आएगा ऑब्वियसली। आप लोगों को जब कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे तो ऑब्वियसली आप भी उस चीजों को अपने एडअप करने लगोगे, अपने नेचर में ऐड करोगे, है ना। एजुकेशन के जो इश्यूज है वो भी डिस्कशन करके, सारे जितने भी इश्यू होते हैं, जितने भी बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, वो सब डिस्कशन और मीटिंग से रिजॉल्व हो जाते हैं। इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस होता है एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन। इसमें बंदा जो है क्रिटिकल थिंकिंग करने लगता है, सोच विचार करने लगता है, उसकी थिंकिंग थॉटफुल शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे 6वीं क्लास का बच्चा से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, आप समझ लो 12वीं तक के जो बच्चे, यहाँ पे कैसे थॉटफुल चीजें दिमाग में चलने लगती हैं चीजें। ठीक है, क्वेश्चंस उठने लगते हैं, ओके, इन्फ्लुएंस होने लगता है, आपस में बच्चे इन्फ्लुएंस होने लगते हैं, टीचर से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं, किसी किसी को तो टीचर से प्यार हो जाता है ना, मतलब इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इस डेमोक्रेटिक टीचिंग में इन्फ्लुएंस भी होते हैं बच्चे। फीडबैक सिस्टम होता है ना, इसके अंदर बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं, मैम ऐसा क्यों नहीं, ऐसा कैसे, ये ऐसा क्यों हुआ, है ना, तो फीडबैक भी आ जाता है और ये हो जाता है स्टूडेंट सेंट्रिक। ठीक है, जहाँ पे बच्चे बोलते ही नहीं है, फीडबैक लेते ही नहीं है, कुछ बोलते ही नहीं है, मुंह से पूछते ही नहीं है, बस रटते रहते हैं, रटते रहते हैं, तो वो कौन सा मेथड हो गया बताना जरा मुझे, स्टूडेंट की टीचर कौन सा सेंट्रिक है वो? ऑटोक्रेटिक। टीचर सेंट्रिक, ऑटोक्रेटिक तो मेथड है, सेंट्रिक कौन सा है, स्टूडेंट के ऊपर सेंटर है या टीचर के ऊपर सेंटर है? टीचर सेंटर, टीचर है, टीचर। जहाँ बच्चे बोलने लग गए, जैसे अभी आप लोग बोलते हो, पूछते हो, है ना, तो ये आप स्टूडेंट सेंटर है, टीचर सेंटर है, स्टूडेंट सेंटर, है ना। तो देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक टीचिंग है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है या लर्नर सेंट्रिक है, ऐसे, ठीक है, या सॉरी टीचर सेंट्रिक है या स्टूडेंट सेंट्रिक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आई बात समझ में? यस मैम। एक हिंदी में लिखा होता है प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक ऐसे करके टीचिंग, तो वो उसमें बता दीजिए डिफरेंस। प्रजातांत्रिक, एक सेकंड, मेरे को एक्चुअली हिंदी का ये वर्ड नहीं आता, प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक का मतलब क्या होता है इंग्लिश में उसका? हाँ, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी,
हाँ, और दूसरा क्या बोला था, एक मिनट धर्मेंद्र जी, प्रजातांत्रिक और दूसरा क्या बोला था आपने? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक दोनों का मतलब डेमोक्रेसी है, प्रजातांत्रिक और लोकतंत्र डेमोक्रेटिक ही है वो दोनों। इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया क्या? मैम पता नहीं, क्वेश्चन आया था बड़ा कंफ्यूजिंग था मैं। नहीं देखो, प्रजा प्रजा क्या होती है, प्रजा भी तो लोक ही है ना, दोनों का मतलब तो सेम ही है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र। मैं सही बोल रही हूँ बच्चों या गलत बोल रही हूँ? है ना, क्योंकि मैंने गूगल पे डाला भी, प्रजातंत्र और लोकतंत्र दोनों का मतलब डेमोक्रेसी ही है, डेमोक्रेसी है, स्वाधीनता ऐसे कुछ। स्मितांजलि जी बहुत लेट आई आप, या थी क्लास में पहले? थी, मैं लेफ्ट हो गई थी मैम। अच्छा ठीक है, हाँ बोलो मैम। फर्स्ट पेपर को ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च है, ये इंग्लिश में करना सही होगा क्या? मतलब ये इंग्लिश में ही करना चाहिए। हाँ इंग्लिश में ही करना। पेपर वन देखो, अगर आप लोग हिंदी के भी स्टूडेंट हो ना, तो पेपर वन को इंग्लिश में ही करो, क्योंकि हिंदी में जो पेपर वन है वो बहुत ही एक्सट्रीम टफ है। पर आप एक बार इंग्लिश में अगर मेरे साथ साथ भी पढ़ते रहोगे ना, तो आप लोग कोप अप कर लोगे, क्योंकि मैं पढ़ा तो हिंदी में रही हूँ ना बेसिकली। हाँ। बोल तो मैं सब, आप लोगों को बस ये याद रखना है, ये नाम डेमोक्रेटिक हो गया, ऑटोक्रेटिक, और नाम याद रखना जा रही हूँ है ना, नाम तो याद रखना है। हाँ बस नाम याद रखने है, कॉन्सेप्ट याद रखना है बस। और क्योंकि क्वेश्चन तो देखो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में नहीं समझ रहे हिंदी में पढ़ लेना। हिंदी आप लोगों को एक्चुअली दोनों सब्जेक्ट्स में, दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर आवाज में मेरी आवाज मेरा हिंदी केवीएस मदन सर की हिंदी वाला बुक इंग्लिश भी ले लेंगे। हाँ तो आप लोग इंग्लिश में ही पढ़ो, मैं तो ये बोलूंगी। और पढ़ा देखो, हम तो इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाते हैं, कंटेंट पूरा इंग्लिश में। इंग्लिश वाला बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और हिंदी वाले को भी नहीं होनी चाहिए। पेपर वन तो एक्चुअली दोनों लैंग्वेज में पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। बट हिंदी में लैंग्वेज जो लिखा रहता है ना कंटेंट, वो हिंदी में मत पढ़ो, उसको इंग्लिश में पढ़ो, जटिल है, याद भी रहने आएगा। हाँ, और इंग्लिश में रीडिंग, ये कंटेंट इंग्लिश में याद करो और समझ हिंदी में लो, तो आप दोनों में एक्सेल कर जाओगे, है ना। चलो आगे बढ़ते। लेजी फेलियर टीचिंग, ये क्या होता है, इसमें जो टीचर होता है ना वो छोड़ देता है बच्चों को एकदम उनके हाल पे। जैसे पीएचडी हो गया, हाल पे ऐसे नहीं कि उनके हाल पे उनकी हालत खराब है और छोड़ दिया, ऐसे नहीं। मतलब उनको जहां जरूरत है वहां उनके साथ टीचर रहेगा, उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कहीं कोई डाउट है वहां उनके डाउट को सॉल्व करेगा। बट पूरा का पूरा सब कुछ, कंटेंट कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्या लेकर आना है, कौन सी किताब खोलनी है, कौन सी नहीं खोलनी, सब कुछ स्टूडेंट पे डिपेंडेंट होता है, जो हम पीएचडी में करते हैं, ठीक है। तो दीज टीचर्स अलाउ स्टूडेंट्स टू ग्रो एंड लर्न। ये वाले जो टीचर होते हैं, ये जो टाइप की टीचिंग है, इसमें जैसे मैं आप लोगों को ना बेसिक सिर्फ लेजर फेलियर बोल दूं, ठीक है, देखो ये बच्चे ये जाओ और पढ़ के आओ, ठीक है, आप अपनी किताबें खोलो, खुद से मेहनत करो, है ना, गूगल खोलो, खुद की रिसर्च करो, अलग अलग जाके इसके एग्जाम्पल्स ढूंढो। इस जो मैं ये टीचिंग करवाऊंगी, ये होगी लेजर्स फेलियर टीचिंग, ठीक है। और इस टाइप की लर्निंग जो होगी ना आपकी, वो ऐसी सॉलिड लर्निंग होगी कि आप लोग कभी भूलोगे नहीं आपने क्या सर्च किया है, आपने क्या खुद से, क्योंकि वहां पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बन जाएगी, ठीक है। आप लोग एवेल्युएटिव लेवल पे पहुंच जाओगे, आपका दिमाग इवेल्युएशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है, आप लोग एक अलग लेवल पे पहुंच जाओगे। पर ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पढ़ने को इतना सब कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, अब तो इतना सब कुछ अगर आप खुद से करोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें कम टाइम पे ज्यादा पढ़ना है। अब जैसे आप नेट JRF की तैयारी देखो, हमें 3 महीने में करनी रहती है, ठीक है, अगर आप लॉजिकली देखो तो 3 महीने में हमें नेट JRF क्रैक करने का हमारा पूरा प्लान रहता है। तो 3 महीने में आप खुद से जितना पढ़ोगे, देखो वो सॉलिड पढ़ोगे सॉलिड, बट आप वो मैक्सिमम चीजें कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए हम लोगों को डेमोक्रेटिक वाला जो है वो हमें लेना पड़ता है मेथड। पर बेस्ट मेथड, क्योंकि पीएचडी में 5 साल का टाइम होता है, टाइम बहुत है आपके पास, और आप एक टॉपिक पे काम करते हो, कहीं पे 2 टॉपिक पे काम करते हो, तो 2 टॉपिक 5 साल के लिए बहुत टाइम है, तो वहां पे लेजर फेयर मेथड चल सकता है। पर ये जो टाइप की लर्निंग होती है, जब आपको बहुत ही अच्छे से कोई चीज लर्न करनी है, आप किसी सब्जेक्ट से डरते हो ना, अगर ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है जो आपको डराता है, तो उसमें आप ये वाली लर्निंग करो, ठीक है। आप टीचर की सिर्फ मदद लो, उनकी सिर्फ गाइडेंस लो,
पर पढ़ाई अपनी खुद से करोगे ना वो सब्जेक्ट आपका सबसे लवेबल सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दीज टीचर्स, ये वाले जो टीचर होते हैं, ये अलाउ करते हैं स्टूडेंट को कि खुद से वो ग्रो करे, खुद से वो लर्न करे ऑन देयर ओन विद लिटिल और नो एक्सट्रिंसिक हेल्प, बाहर की कोई मदद उनको ना मिले। ठीक है, और जो उनको टॉपिक दिए गए हैं वो खुद से पढ़े, खुद से ढूंढे, खुद से लर्न करें। ठीक है, ये पूरा स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, जैसे टीचर परसीव हिज हर जॉब एज मोटिवेटिंग स्टूडेंट, इसमें टीचर का सिर्फ एक काम है, वो स्टूडेंट को मोटिवेट करता है कि भाई यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आई नो, मेरे को पूरा भरोसा है भाई बच्चे तुझ पे, तू कर सकता है, सिर्फ ये मोटिवेशन रहता है। बेसिक हेल्प देगा वो अपनी, ठीक है, फर्स्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड देन डेवलप देयर एबिलिटी एंड नॉलेज अबाउट आर्ट। ठीक है, वो खुद को फिर डेवलप करते हैं, वो खुद को अपने आप को अपने सब्जेक्ट को या जो भी वो पढ़ रहे हैं उसमें खुद से डेवलप करते हैं। तो लेजर फेयर का सिर्फ इतना सा मतलब है। यहाँ तक किसी को डाउट है किसी को तो पूछ लो। एक्सटेंसिव मतलब बाहरी, बाहरी मदद, एक्सटेंसिव बाहरी मदद मतलब जैसे टीचर की भी मदद होगी, बाहरी मदद होगी। ठीक है, टीचर से भी मदद मांगना, बाहर की मदद, खुद से पढ़ना, खुद से, इंट्रिंसिक मतलब खुद से और एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने टीचिंग पढ़ा, टीचिंग क्या है, ठीक है, एप्टीट्यूड पढ़ा क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, बेसिक चीज क्या है कि भाई बिहेवियर में चेंज होना चाहिए, हम जब टीचिंग कराते हैं तो बच्चे के बिहेवियर में चेंज होना चाहिए। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उसका, कॉन्सेप्ट इंटेलेक्चुअल और सब्जेक्ट स्किल्स बढ़ने चाहिए, उसके अंदर वैल्यूज आनी चाहिए, वैल्यूज डेवलप होनी चाहिए। जैसे अगर मेरे को ऐसा लगता है आज मैंने आप लोगों को एक वैल्यू जो है बेसिक सिखाई, ये है कि आपको सिर्फ अपने लिए नहीं काम करना, आपको सोसाइटी के लिए भी काम करना है, ये वैल्यू आज मैंने आपको सिखाई थी, याद है? हाँ मैम। तो शायद हो सकता है कि कुछ बच्चे इस चीज को सीरियसली ले ले और उनके दिमाग में सब कॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं होगा, किसी के दिमाग में कॉन्शियसली आ जाएगा कि हाँ भाई मैम सही बोल रही है, हमें कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत करना चाहिए, हमें आज नहीं करोगे पर कल करोगे, पर ये आपके दिमाग में बैठ गई होगी बात। ठीक है, तो ये होती है वैल्यूज को डेवलप करना। तो मैंने वैल्यू डेवलप कर दी ना आज, एक एक बात तो बताई आपको कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी काम करो। तो इस तरीके से टीचिंग का काम क्या है कि वैल्यूज बढ़ाना। ठीक है, तो इन जनरल आप बिहेवियर में चेंज होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए टीचर के अंदर। ठीक है, और टीचर परिकल्पना होना चाहिए। हाँ, टीचिंग मतलब परिकल्पना। यस यस करेक्ट, हाइपोथेसिस, आइडियाज, करेक्ट, आइडियाज होने चाहिए, खुद से बनाने की क्षमता कि बच्चे अपने आइडियाज खुद बना सके, है ना। टीचिंग क्या है, आर्ट है, साइंस दोनों है, कंप्लीट सोशल प्रोसेस है, स्किल्ड ऑक्यूपेशन है, स्किल होना चाहिए, नॉलेज तो पब्लिक के अंदर बहुत है पर पढ़ाने का वो तरीका आना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लर्निंग होती है कंटिन्यूसली। ठीक है, उसके बाद हमने फैक्टर्स पढ़े, है ना, उसके बाद हमने पढ़ा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, टीचिंग में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, स्टूडेंट, टीचर, कौन बोला टीचर, स्टूडेंट, कौन बोला टीचर है, मैं डिपेंडेंट हूँ आप लोगों पे, टीचर इंडिपेंडेंट है, टीचर बदल सकता है। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने के लिए टीचर डिपेंडेंट नहीं है किसी पे भी, स्टूडेंट डिपेंडेंट है, स्टूडेंट को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, वो क्लास में आ रहा है वो डिपेंडेंट है, टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है, स्टूडेंट हमेशा टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है, बट टीचर्स बदल सकते हैं। टीचर चेंज देखा है, होता है ना कभी कभी कि हम तो क्लास में बैठे रहते हैं, है ना, साइंस की एक टीचर एबसेंट होगी तो दूसरी टीचर आ जाती है कि चलो आज साइंस वाली ये वाली मैडम एबसेंट है तो मैम दूसरी वाली साइंस वाली मैडम को भेज दो, पर स्टूडेंट तो सेम बैठे ही रहेंगे ना क्लास में साइंस पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट इमेजिन करो जो मैं इमेजिन करवा रही हूँ, आप लोग तो बैठे रहोगे साइंस का भाई लेक्चर है, पर आज कविता मैडम नहीं आई, शोभा मैडम आई, वो साइंस पढ़ाएगी आज, तो टीचर तो इंडिपेंडेंट हो गई। ठीक है, और स्टूडेंट जो बैठा हुआ है क्लास में बेचारा बोर्ड देख रहा है, वो अब वो बैठा ही हुआ है, वो उसको तो पढ़ना है साइंस, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो यहाँ हो गया डिपेंडेंट हमारा स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट हो गया टीचर, और इंटर वेरिएबल क्या होता है, इंटरविंग वेरिएबल कौन सा होता है, जो मैम स्टूडेंट और टीचर को आपस में जोड़ता है, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्शन आपस में बातचीत, दोनों के बीच का डिस्कशन। ठीक है, फिर हमने तीन टाइप की टीचिंग पढ़ी, क्या, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर फेलियर टीचिंग। ऑटोक्रेटिक टीचिंग कौन सी टीचिंग होती है, स्टूडेंट सेंटर में,
स्टूडेंट सेंटर होती है ना, और मोस्टली कहाँ पर यूज होती है ऑटोक्रेटिक? मोस्टली स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स में ज्यादा, सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स में, और स्टूडेंट्स बच्चे जो होते हैं ना उधर भी, पर सबसे पहले अगर आपको ऐसे लॉजिकली पूछा जाए तो स्पोर्ट्स में, ठीक है। और रोट लर्निंग जहाँ होती है, जहाँ छोटे बच्चों को, जैसे एंड्रोगोजी जो बच्चे होते हैं, सॉरी पेडागोजी जो बच्चे होते है ना उधर, ठीक है। डेमोक्रेटिक लर्निंग क्या होती है, कौन सी सेंटर के? स्टूडेंट सेंटर, स्टूडेंट सेंटर, ठीक है। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट सेंटर हो गई, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करने लगता है, सोच विचार करने लगता है। इसमें फीडबैक होता है या नहीं होता? यस मैम, सवाल-जवाब होते हैं मैम आपस में टीचर से स्टूडेंट। और ऑटोक्रेटिक में फीडबैक होता है कि नहीं होता? नहीं होता मैम, वन वे ट्रांजिशन होता मैम। लेजर पेयर टीचिंग कैसी होती है? अच्छा होता है सर, जिसमें पूरा 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 सब कुछ स्टूडेंट के ऊपर, स्टूडेंट सेंट्रिक, मतलब टीचर आजाद छोड़ देता है स्टूडेंट को, ऐसा नहीं है पीएचडी लेवल घूम रहा है फिर रहा है रिसर्च, पीएचडी लेवल रिसर्च में, हाँ जैसे रिसर्च में बच्चों को छोड़ दिया जाता है कि अपने हिसाब से रिसर्च करो। मैम छोड़ दिया मतलब कोई वर्क देके उनको करने के लिए, हाँ, उनको करने के लिए ऐसे नहीं छोड़ दिया तुम्हारा तो कुछ नहीं सकता। टाइम टू टाइम हाइपोथेसिस देखता रहता हर महीने, मतलब बीच बीच में वो गाइडेंस देता रहेगा, बीच बीच में वो मोटिवेट करता रहेगा, पर सब कुछ जो है स्टूडेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। बच्चों चलो आज की क्लास खत्म, समझ में आया सभी को?